कान खराब हो गए। बोले भरूच में इतने प्रतिशत टोपी वाले हैं, इतने प्रतिशत है, तो मैं चाहती हूँ इतनी जोर से जय जयकार करिएगा कि वो जो टोपी वाले राम विरोधी अगर ये आवाज सुने ना, तो आपका भरूच नहीं गुजरात छोड़ करके भाग जाने चाहिए। मंच पे विराजमान ते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने किया ही क्या है, केवल नारे लगाना जानते हैं, ये करना जानते हैं। एक बात कहना चाहूंगी कि 50 वर्षों से ज्यादा विश्व हिंदू परिषद को हो गए हैं और 50 वर्षों में किसी भी एक दुष्ट दुराचारी पापी की, या कहूं तो किसी भी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं कि भारत को गुलाम कर सके। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व की अलग जगाई है, विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रभक्ति सिखाई है। परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर गुरुजी ने संघ के आदर्शों को विश्व हिंदू परिषद में जिस प्रकार से जोड़ा है और जिस प्रकार से संतों ने अपने तपश्चर्या से इस भूमि को सींचा है, पूज्य गुरुजी को शंकराचार्य पद तक का भाव आया लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। भारत देश के संत तपश्चर्या करते हैं कि उन्हें मोक्ष मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन भारत का पहला ऐसा संत, पहले ऐसे गुरु कि राष्ट्र के हित त्याग दी, मोक्ष की परम इच्छा, राष्ट्र के उत्थान पूजन के सृजन की ली विमल दीक्षा, देव द्विज मानव सभी के रहे उद्धारक थे, वो स्वयं थे अग्नि संविदा गंध थे हवन थे। ऐसे गुरु जी जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद की एक एक शाखाओं को जोड़ा, आज ये शाखा इतनी विराट हो गई है कि केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में जय श्री राम के नारे से संबोधित होता है। आज ये सभा इसलिए रखी गई है कि हम सरकार से यहाँ पे ना लड़ाई करने आए हैं ना झगड़ा करने आए हैं, क्योंकि हम तो हिंदू हैं, हम तो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, हम तो लड़ाई झगड़ा करते नहीं हैं, है ना। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच्ची बता रही हूँ, हम लोग झगड़ा नहीं करते क्योंकि हम हिंदू हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, जो हमें छेड़ता हम उसको छोड़ते नहीं, आगे से किसी को छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो हमें छेड़े हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो हम सरकार से यहाँ प्रार्थना करने आए हैं क्योंकि कोर्ट का तो मैंने देख लिया, धन्य है न्यायपालिका कहूं कि अन्यायपालिका कहूं समझ में नहीं आता। एक आतंकवादी के लिए आधी रात को कोर्ट खुल जाता है, उल्टे सीधे देने के लिए, न्याय निकालने के लिए, आदेश देने के लिए न्यायपालिका खुल जाती है। कौन किससे शादी करेगा, कौन किसके साथ रहेगा, ये सब न्याय देने के लिए न्यायपालिका खुली रहती है। किस मंदिर में स्त्री का प्रवेश होना चाहिए, किस मंदिर में पुरुष का प्रवेश होना चाहिए, ये करने के लिए न्यायपालिका 2 दिन में निर्णय दे देती है। सबरीमला के प्रकरण में एक मुस्लिम ने पिटीशन डाली कि सबरीमला में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो कह दिया बाप रे भारत में हिंदू तो अपनी औरतों का अपमान करते हैं, सम्मान ही नहीं करते। अरे भारत से ज्यादा और हिंदुओं से ज्यादा महिलाओं का सम्मान कोई करता नहीं, क्योंकि हम अपनी माताओं को बुरखे में लपेट करके नहीं रखते, हम हमारी माताओं को सम्मान देते हैं, हम हमारी माताओं को कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ति रमन्ति तत्र देवता, हमारे यहाँ माताओं की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में गए हुए थे, उनसे किसी ने कहा कि आपका भारत विश्व गुरु क्यों कहा जाता है, तो विवेकानंद जी ने कहा कि आपके यहाँ आप अपनी माँ और बहन को छोड़ के हर स्त्री को गलत नजर से देखते हो, लेकिन हमारे भारत में अपनी पत्नी को छोड़ के हर स्त्री के अंदर माँ और बहन का रूप देखा जाता है, ये भारत की परंपरा है। इनके धर्म में देख लो, पहले किसी व्यक्ति ने शादी कर ली, फिर उसका भाई भी उससे शादी कर सकता है, अपनी ही बहन से शादी कर सकते हैं। मैं यहाँ किसी के धर्म और नहीं, क्षमा करिए, धर्म नहीं विधर्म, किसी के विधर्म में टिप्पणी करने नहीं आई हूँ, क्योंकि धर्म नहीं कह सकती, धार्यते इति धर्मः, जिसको धारण किया जाए वो धर्म होता है। इनके पास धारण करने जैसी कोई चीज होती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, इनके संस्कारों को कौन धारण करेगा, इनके यहाँ
हमारे देवी देवताओं को देखिए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहते हैं। मैं तो गुजरात में भी यही आह्वान देने आई हूँ कि अगर घर बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों का घर बना सकते हैं, बड़ी बड़ी कार बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकते हैं, 10-10 लाख रुपए के बड़े बड़े गैजेट्स खरीद सकते हैं, 1-1 लाख रुपए के फोन खरीद सकते हैं, तो 1-1 हजार रुपए की तलवार भी तो खरीद के घर में रखी सकते हैं। क्योंकि युद्ध करने की बारी आई ना, आपको पता है जब गुजरात में आंदोलन हुआ था और हिंदुओं ने शस्त्र उठाया था, तो एक शब्द सामने, एक इंग्लिश मैगजीन ने आप लोगों को एक नाम दिया था, आप लोगों को यानी हम लोगों को एक नाम दिया था, जिसे कहते हैं भगवा आतंकवाद। अब भगवा आतंकवाद का मतलब तो इनकी तरफ से ये है कि भाई ऐसा है कि भगवा आतंकवाद, हिंदुओं ने ये किया वो किया, ये उनकी तरफ से गलत है। लेकिन मैं इस मंच से कहती हूँ, क्योंकि मैं इस एक ऐसी परंपरा की संवाहक हूँ जहाँ हम राम कृष्ण की धरती पे भगवान की परंपराएं सिखाते हैं, भजन सिखाते हैं, कथा सुनाते हैं, हम बुरी बातें नहीं करते, हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, हम चींटियों को भी शक्कर की गोलियां देते हैं। अगर भगवा आतंकवाद ये बुरे सेंस में कहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो मैं इतना मानती हूँ कि अगर अपने देश अपने धर्म अपने समाज की रक्षा करना भगवा आतंकवाद है, तो सबसे पहले भगवा आतंकवादी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं आपसे यही कहती हूँ कि सरकार ने आर्म्स एक्ट नहीं दे रखे हैं, अभी प्रशासन कहेगा कि बाप रे साध्वी जी तो सबके हाथों में हथियार देने के चले, क्योंकि पीछे पड़ जाते हैं हर जगह, काम भी नहीं करने देते। प्रशासन का भी अपना काम है, मैं उनका भी सम्मान करती हूँ, कोई गलत बात नहीं। मुझे तो सरकार के, न्यायपालिका के, प्रशासन के सारे नियम कानून सब मंजूर है, हम कुछ नहीं चाहते। हम तो आपके गुजरात के पुत्र, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही चाहते हैं कि आप लाल किले पे खड़े होकर के हिंदुओं को ये आश्वासन दीजिए कि राम मंदिर बनेगा और अयोध्या की स्थान बनेगा। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं का विश्वास है, कोर्ट का निर्णय नहीं है। कोर्ट कब तक निर्णय देगी? सबरीमला के प्रकरण के लिए तुरंत का तुरंत, हाँ महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए, महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए। एक मुस्लिम ने पिटीशन डाली और सबरीमला के लिए निर्णय मिल गया। मैं कोर्ट से एक बात पूछना चाहती हूँ, न्यायपालिका से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि भारत में कुछ ही ऐसे मंदिर है जहाँ 1-2 मंदिर होंगे जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, कुछ मंदिरों में पुरुषों का भी प्रवेश वर्जित है, लेकिन भारत में 3 लाख से ज्यादा मंदिर है और वहाँ किसी भी मुस्लिम महिला को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तब न्यायपालिका को दिखाई नहीं देता, केवल 1 मंदिर के लिए निर्णय दे दिया जाता है। लेकिन राम मंदिर के निर्णय की बात की जाए तो नहीं होगा। एक पापी व्यक्ति ने तो कोर्ट में कह दिया कि 2019 के बाद इस निर्णय में बात करेंगे। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि 2019 के बाद बात करेंगे। एक बात कहती हूँ कि जो व्यक्ति राम का विमुख हो जाता है, जो व्यक्ति भगवान श्री राम का सेतु बंध रहा था, सारे वानर पत्थर उठा उठा करके डाल रहे थे, पत्थर डाल रहे थे तो पत्थर तैर रहे थे, राम जी ने कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया है, मेरा नाम लिखा और पत्थर तैर रहे। राम जी ने सोचा जब मेरे नाम में इतनी ताकत है तो मेरे अंदर कितनी ताकत होगी, चलो थोड़ा देखना चाहिए। राम जी एक कोने में चुपचाप गए, एक पत्थर उठाया, फेंका, पत्थर डूब गया। तो राम जी ने कहा ये तो बड़ी शर्म की बात है, मेरा नाम लिख के पत्थर तैर गए और मैंने पत्थर फेंका तो डूब गया। पीछे देखा आसपास कोई है तो नहीं, पीछे हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी ने पूछा भगवान मैंने देख लिया, बोले हनुमान किसी को बताना मत, ये तो गड़बड़ हो गई, मेरा नाम लिख के पत्थर तैर गए, मैंने पत्थर फेंका डूब गए। हनुमान जी ने कहा ये तो होना ही था भगवान, बोले क्यों होना था? बोले जो राम का नाम ले वो तर जाएगा, लेकिन जिसे नाम फेंक दे उसका डूबना तय है। मेरा इशारा समझ लो, जो राम का नाम लेगा वो तरेगा। जिसको राम ने फेंका ना, उत्तर प्रदेश में जो पूर्व राज्य सरकार थी उसने क्या किया, एक पिता और पुत्र की जोड़ी थी, बाद में टूट गई, आप सभी जानते हैं, और अभी एक संत वहां विराजमान है। हाँ, उनके पिताजी ने कहा कि हमारी सरकार केवल मुस्लिमों के लिए ही हित करती है, राम मंदिर की 84 कोसी यात्रा में प्रतिबंध डाला और राम मंदिर के निर्माण के लिए कहा कि मंदिर कभी बनने नहीं देंगे, और जिस व्यक्ति ने राम जी की 84 कोसी परिक्रमा में व्यवधान डाला उसकी सरकार का किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सर्वनाश हुआ ये सारा भारत देख रहा है। मैं आपसे प्रार्थना
करना चाहती हूँ, मैं बंगाल में भी जाती हूँ, केरल में भी जाती हूँ, सारे लोग, वैसे मुझे काफी सारे लोग बोलते हैं आपके अंदर बड़ा गुस्सा है, आप तो ये कहो भाई कि हम आपस में सब भाई भाई हैं, हमारा देश भाईचारे वाला देश है, हमारा भारत सेक्युलर कंट्री है, उसी प्रकार रहना चाहिए। मैंने कहा बढ़िया है, भाईचारा निभाना है तो उनकी तरफ से भी तो निभाने दो, भाईचारा निभाना है। ये कहते हैं राम जन्मभूमि पे मस्जिद भी बना दो, पीछे से कोई क्रिश्चियन जी आए, उन्होंने कहा एक काम करो चर्च भी बना दो। मैंने कहा वाह भैया, ये राम जी की जन्मभूमि कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आते जाओ और अपना अधिकार मांगते जाओ, ये जन्मभूमि है मेरे प्रभु श्री राम की, और तुमको भाईचारा निभाना है। एक काम करो, पहले मक्का मदीना में राम मंदिर बना करके दिखाओ, फिर चलो मक्का मदीना छोड़ो, मक्का मदीना छोड़ो, दिल्ली की जामा मस्जिद को गिरा के राम मंदिर बना करके दिखाओ, तब भाईचारा नहीं कर सकते ना, तो फिर हमसे भाईचारे की उम्मीद बिल्कुल मत रखो। हमारे पास कोई भाईचारा नहीं है, हमारे भाई केवल और केवल वही है जो राम को मानते हैं। सिर्फ आप ध्यान से सुनिएगा, अगर हिंदू व्यक्ति हिंदू विरोधी कार्य करता तो भी वो भी हमारा भाई नहीं है, वो भी हमारा भाई नहीं है, चाहे वो कितने जनेऊ पहन ले और चाहे कितने तिलक लगा ले। राम विरोधी है तो हमारा भाई नहीं है, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तदियतात कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सगे ही, जिसको राम से प्यार नहीं उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। राम के देश में रह करके राम से फिर कैसे दुष्ट लोग हैं। मैं यही चाहती हूँ, राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, और कब बनेगा, जब सरकार अध्यादेश लाएगी। अगर इस देश में इस धरती में भगवान श्री राम का हम मंदिर ही नहीं बना पाए तो बताइए हमसे ज्यादा एकदम आत्मा हत्यारा व्यक्ति कौन होगा। हम अपने आप में अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे कि जिस धरती पे हमने जन्म लिया, जिस प्रभु श्री राम के दिए हुए गुणगान हमने गाए, इस भारत माता की हमने रोटी खाई, उसी भारत देश में रह के हम प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बना पा रहे हैं। मंदिर बनाना अब केवल हिंदुओं की आस्था नहीं रह गई है, भारत देश का सम्मान भी टिका हुआ है प्रभु श्री राम के नाम पे। भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, भगवान श्री राम का जिस दिन मंदिर बना उस दिन भारत भी हिंदू राष्ट्र अपने आप में बनेगा। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, देखिए एक बात बताइए, इस दुनिया में इतने ईसाई देश हैं कि अगर इस देश से अगर ईसाइयों को भी निकाल दिया गया तो उनको शरण देने के लिए बहुत सारे देश हैं, इस देश से अगर मुसलमान भी चले गए तो उनको शरण देने के लिए बहुत सारे देश हैं, लेकिन ऐसा कोई देश बता दीजिए जो हिंदुओं को शरण दे सके। भारत देश के अलावा ऐसा कोई देश नहीं जहाँ हिंदू सुरक्षित रह सके, और अब तो लगता है भारत में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे हज हाउस बना दिए जाते हैं पर तीर्थ यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं, यहाँ पे हज करने के लिए टैक्स वहाँ पे सब्सिडी दी जाती है, अमरनाथ की यात्रा में टैक्स भरना पड़ता है, अमरनाथ यात्री सुरक्षित नहीं होते हैं, गंगा सागर जाने वाले यात्रियों को फुटपाथ पे लेटना पड़ता है, लेकिन वहाँ सरकार कोई सुविधा नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि हमारे पास वोट बैंक की नीति नहीं है, हमारे पास एकजुटता नहीं है। अरे हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो वैश्य हैं, हम तो शूद्र हैं, हम तो मिश्रा हैं, अरे हम तो पटेल हैं भाई, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, फला 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 सब में बट गए। अरे कभी ये तो जानो कि हम हिंदू भी हैं, हमारा एक परिचय है केवल और केवल हिंदू। परम पूजनीय गुरु जी ने कहा था हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। भारत देश के जो हिंदू हैं, जो हम भारतवासी हैं, हिंदू कभी पतित नहीं होता है, हिंदू सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू केवल हिंदू नहीं है, हिंदुत्व जीवन जीने की पद्धति है। हिंदुत्व को देख करके विदेशी लोग जाते हैं और हमारा धर्म हमारी संस्कृति सत्य सनातन धर्म को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रभु श्री राम के उस मर्यादा को बचाए रखे, अपने भारत भारती को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित करने के लिए राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए अपना एक एक कदम बढ़ाएं। और ये एक कदम क्या है, आज भरूच की धरती से प्रारंभ हुआ है। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस दिन राम मंदिर बने, आपके भरूच का जितना युवा है, ये जितने युवा मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर आप में से एक एक युवा एक एक ईंट लेकर के भी गया ना तो एक दिन में राम मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा, मुझे विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप सभी पूरे गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केवल भरूच का नहीं, तो जब भी राम मंदिर बने तो इतिहास में ये नाम आना चाहिए कि गुजरात वासी राम मंदिर बनाने के लिए सबसे आगे खड़े थे। और मुझे विश्वास भी है ये होगा भी। आपको पता है जब सेतु